गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। अब देखो, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है कि हमने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है किससे, एंड से या बट से। ठीक है, एंड का मतलब, एंड का मतलब क्या होता है? और बट का मतलब? बट मतलब लेकिन। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो सेंटेंस है यहाँ पे। देखो सबसे पहले सेंटेंस क्या है, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। मतलब यह समय किसका हो चुका है, स्कूल के लिए उठने का समय हो चुका है। और दूसरा सेंटेंस है, आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। तो मैं कुछ और देर के लिए क्या करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में एंड सही लगेगा या बट सही लगेगा? बताओ, बट एंड से कैसे कनेक्ट होगा? बट से कनेक्ट होगा ना, कि समय तो हो चुका है स्कूल जाने का, स्कूल के लिए खड़े उठने का समय हो चुका है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करोगे, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, बट यहाँ पर कॉमा लगेगा और आप क्या लिखोगे, ऐसे लगाओगे, पहला वाला सेंटेंस वैसे ही लिखोगे और यहाँ पर कॉमा करके क्या लगाओगे, बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, फिर दूसरा सेंटेंस वैसे ही लिख जाएगा। तो मतलब दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आपको इसके फुल स्टॉप हटाना है। अब फुल स्टॉप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉमा में, और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, बट। समझ गए? अब देखो दूसरा, अब है शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शीला को क्या मिली है, कुछ चॉकलेट्स मिली हैं अपने बर्थडे के लिए, और उसको कुछ कपड़े भी मिले हैं, तो क्या लगेगा, एंड। अब देखो कैसे लिखोगे, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड, फिर यहां पर कॉमा लगाओगे, फिर कॉमा लगाओगे और फिर क्या लिखोगे, एंड सी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस एज इट इज उतरेगा और उसके बाद कॉमा लगा के एंड लगाओगे। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो तीसरा सेंटेंस है, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप। सब लोग कहाँ जा चुके हैं, सोने के लिए जा चुके हैं। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। क्या लगेगा? बट क्या लगेगा? बट क्या लिखोगे? देखो एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, सब लोग सोने जा चुके हैं, ये सेंटेंस ऐसे ही लिखना है और उसके बाद आपने लगाना है कॉमा करके, बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस एज इट इज उतारना है, कॉमा लगाना है, बट लिखना है और आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। अब देखो चौथा है, राजू प्लेज क्रिकेट। राजू क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। He also plays hockey, और वो हॉकी भी खेलता है, तो क्या लगाना है? And. बहुत सिंपल है, राजू प्लेज क्रिकेट एंड कॉमा लगा के एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। सिंपल है? क्लियर yes, है? Yes, sir. अब देखो एक और एक्सरसाइज है हमारे पास। अब हमारे पास एक दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें क्या बोल रहे हैं वो, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखो उन्होंने दे रखा है, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ इस पे ER और क्या लगाना है, EST लगाना है आपने। ठीक है, कहीं पर जैसे Y होगा, जैसे टिनी है, तो टिनी में लास्ट में Y आ रहा है, तो Y जब हटता है तो उसकी जगह I लगता है। ठीक है, लेकिन औरों में नहीं लगता। जैसे देखो टिनी में Y हटा तो IER लगा और यहाँ पर भी IEST लगा। अब देखो बिग में क्या लगेगा, बिगर तो क्या हो जाएगा, BIZZER। ठीक है, डबल जी हो जाएगा। अब देखो स्लीपी है, स्लीपियर, और क्या होगा, स्लीपियस्ट। सिर्फ आई की जगह आपने आई तक वैसे ही लिखना है और उसके बाद आपने EST लगाना है। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या लगेगा, लवली, क्या होगा, लवली, लवलियर और लवलीएस्ट। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे, स्लीपियस्ट। अब देखो अब यहाँ पर लेटर आया तो इसमें क्या, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताओ, लेट। वेरी गुड, लेट। क्या क्या लिखना है, लेट लेटर और लेटेस्ट। राउंड, अराउंड, राउंडर और राउंडेस्ट। स्मॉल में, स्मॉल क्या होगा, स्मॉल स्मॉलर और स्मॉलेस्ट क्या आएगा, स्मॉलेस्ट। इसमें गुड, गुडर नहीं, गुडर नहीं होता, गुड की जगह इसमें अलग होता है, गुड का होता है बेटर, बेटर और
बेस्ट, ठीक है, समझ आया?